कैसे हो आप लोग? सुबह के 2 सवा 2 घंटे और उसमें है हमारी क्लीनिंग, पूजा पाठ, बच्चों की तैयारी, बच्चों का टिफिन, अपना टिफिन, घर के लिए लंच। ये सब चीज़ें मैं कैसे 2 सवा 2 घंटे में मैनेज करती हूँ, यही सब मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ इस ब्लॉग में, मिनट टू मिनट। तो चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, अभी बजे हैं सुबह के 5। वैसे मैं आज ब्लॉग की वजह से 10 मिनट पहले उठी थी, क्योंकि काम करने के साथ साथ शूट करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। अभी सूरज नहीं उगा है, बिल्कुल अंधेरा है बाहर। बच्चों को मैं उठाऊंगी लगभग 5:30 से 5:40 के बीच में, और इस बीच में मैं क्या क्या काम करूंगी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये एक DIY कैलेंडर है, मैं डेट चेंज कर देती हूँ, अगर नोटिस बोर्ड पे कुछ बदलना है तो वो बदल देते हैं। और इसके बाद जो पहला काम है सबसे ज़रूरी, वो ये है कि जो फ्रिज में से सामान निकलना है, तैयारी जिन जिन चीज़ों की करनी है, वो सब मैं निकाल के पहले बाहर रख देती हूँ। इस काम में मुझे लगभग लगते हैं 5 मिनट, जैसे आटा, जो वेजिटेबल चॉप होनी है, मलाई, दूध, ये सब चीज़ें। इसके बाद फ्रेंड्स झाड़ू लगाने में मुझे लगभग लगते हैं 7 से 10 मिनट, क्योंकि डस्टिंग हुई भी रहती है, सारा सामान जगह पर रहता है, तो 90% 7 मिनट ही लगते हैं, 7 से 8 मिनट। 10 मिनट तभी लगते हैं जब मैं रात को थक गई हूँ, मैंने कोई सामान ना रखा हो, या फिर एंड टाइम पे बच्चों ने कुछ फैला दिया हो और वो छूट गया हो, नहीं तो 7-8 मिनट में ये झाड़ू लग जाती है नीचे वाली स्टोरी में। और ये डस्टर और झाड़ू सीख वाली लेके ये एंट्री गेट की क्लीनिंग में मुझे लगभग यहाँ पे भी लगते हैं 7 से 10 मिनट। यहाँ पे थोड़ी सी आर्टिफिशियल घास है जिसे झाड़ू से साफ करना होता है, प्लस बाकी गेट है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो डस्टर से क्लीन करनी होती हैं। और सबसे एंड में मैं इस पे बाहर चबूतरे पे जो है वो पानी डाल दूंगी। तो ये डस्टर से ये रोज़ के 5-7 मिनट अगर दे देती हूँ तो मेरी एंट्रेंस जो है वो ठीक ठाक बनी रहती है। बहुत ज़्यादा गंदा करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उतना ही टाइम लगेगा, प्लस आपका घर गंदा भी बना रहेगा डेली। एक दिन तो वो साफ दिखेगा, बाकी दिन वो गंदा ही दिखेगा। इसके बजाय आप रोज़ 5-7 मिनट दे दीजिए तो वो आपका डेली में ही साफ बना रहेगा। इसके बाद हम फ्रेंड्स आ गए हैं पोछा। पोछे में लगभग लगते हैं 15 मिनट, 10 से 12 मिनट में पोछा तो लग जाता है, लेकिन इसको धो के वॉश करके दोबारा सही से टांगने में ऊपर 2-3 मिनट जाते हैं। तो ये वाले काम में जो है पूरे 15 मिनट लगते हैं, पोछा 15 मिनट से पहले कभी नहीं निपटता, चाहे मैं कितनी भी जल्दी कर लूँ, देरी इससे ज़्यादा लग जाएगी। तो 15 मिनट पूरे प्रॉपर पोछे के हैं। अब किसी दिन अगर कुकिंग में काम ज़्यादा है या कुछ भी है तो इसी वजह से ये है कि पोछा स्किप कर जाते हैं, फिर शाम को लगता है। और अगर मेरे पास है कि हाँ मैं टाइम टू टाइम ये सब काम कर सकती हूँ सुबह, तो मैं सुबह ही कर देती हूँ। इसके बाद टाइम है नहाने का, नहाने में मुझे लगते हैं 10 मिनट, और अगर शैम्पू करना हो तो 15 से 20 मिनट। तो जिस दिन शैम्पू करना होता है वो 10 मिनट मुझे इन्हीं कामों में से कहीं ना कहीं से एडजस्ट करने पड़ते हैं, कोई एक काम मैं उस दिन छोड़ देती हूँ जो छोड़ सकती हूँ। अब टाइम है स्किन केयर का, इसमें मुझे लगते हैं 2 मिनट। अंडर आई क्रीम मैं लगाती हूँ, उसकी 1 मिनट के करीब मसाज करती हूँ और फिर लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र। दिन भर के लिए मेरी स्किन पर यही रहने वाला है, अगर कहीं बहुत ही ज़्यादा मुझे सन एक्सपोजर में जाना है तो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, नहीं तो सनस्क्रीन यूजुअली रह जाती है, क्योंकि उससे स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। मेरी स्किन बहुत ड्राई है तो मैं केवल मॉइस्चराइज़र लगा के ही चली जाती हूँ, जितना हो सके सन से वैसे ही खुद को प्रोटेक्ट करके रखती हूँ।
अब टाइम है वापस किचन में जाने का, तो इसमें मुझे कुकिंग में पूरा 1 घंटा लगभग लगता है, और इतना ही मैं रखती भी हूँ क्योंकि अब 2 मील तैयार कर रहे हैं, 3 टिफ़िन जाएंगे, 2 बच्चों के, 1 मेरा, तो 1 घंटा इसमें लग ही जाता है। और इसके बाद सीधे रात को ही हाथ लगता है किचन में, तो इस टाइम 1 घंटा पूरा लग जाता है। तो आज टिफ़िन में जो है वो पास्ता बन रहा है, इधर मैंने पास्ता उबलने रख दिया, दूसरी तरफ बच्चों को उठाने का टाइम हो गया है तो हल्का सा दूध गर्म करने रख दिया। अब इतने पास्ता में नमक और तेल डाल के रखेंगे, इतने दूध जो है वो पीने लायक बच्चों का हो जाएगा। फिर ये वाला दूध बच्चों को पीने लायक जैसे ही हो जाएगा इनको तो दे देंगे, बाद में बाकी का दूध जो है वो पकता रहेगा। तो यहाँ मैं ये दूध बना के इसके बाद 5 मिनट पूरे मैं बच्चों के साथ जाऊँगी, पास्ता धीरे धीरे उबलता रहेगा, उन्हें उठा के आऊँगी। जब तक वो प्रॉपर उठ नहीं जाते मैं बेडरूम से मतलब बाहर नहीं आती, नहीं तो वो दूध पी के फिर सो जाते हैं। तो ये मैं उन्हें अपने सामने ही पिला के आऊँगी। इसमें मैंने चीनी और बॉर्नविटा डाला है, और कुछ स्पेशल चीज़ इसमें नहीं डलती, ना वो पीते। तो दूध देने के बाद 5 मिनट बच्चों को लगा के उठा के उन्हें आ गई हूँ बाहर कि नहाने जाएं वो। और इसके बाद अब मैं वापस किचन में आके अब कर रही हूँ चॉपिंग, जो पास्ता में डलनी है वेजिटेबल्स वो सब चीजें। आराध्या उठी नहीं उठी? तो इस तरीके से किचन में कुकिंग का काम और प्लस इंस्ट्रक्शन देने और लेने का काम भी साथ साथ चलता जा रहा है। ये दूध बॉईल हो गया, अभी पास्ता में थोड़ी सी कसर है, ये थोड़ी देर और बॉईल होंगे, इतने में कर लेती हूँ अपनी पूजा। इसमें लगेंगे मुझे लगभग पूजा में 5 मिनट, वो कुकिंग के टाइम से फ्रेंड्स अलग हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो घड़ी पे तो मैं 6:45 करीब वापस किचन में दोबारा लगी थी, तो 1 घंटे के हिसाब से 6:45 निपट जाना चाहिए, लेकिन ये जो बीच बीच में ब्रेक लेने पड़ते हैं ना, इस वजह से ये लगभग 7 बजे या 7:05 पे मैं निपटती हूँ यूजुअली, और उसके बाद फिर बाकी का काम होता है। तो 5 मिनट ये मैंने पूजा के अपने रखे हुए हैं, बहुत ही क्विकली मंत्र पढ़ती हूँ, कोई आरती वगैरह नहीं करती हूँ, केवल मंत्र पढ़ती हूँ मैं सभी के लिए, 5-5 या 11-11 बार जल्दी जल्दी मंत्र का पाठ कर लेती हूँ, उतनी ही पूजा हो पाती है। अब वापस आ जाएंगे किचन में, और दूध बॉईल हो चुका है, इसको अलग बर्नर पे रख के और इधर पास्ता का जो है वो छौंकना शुरू करेंगे। तो वो तेल डाल के इसमें डालेंगे प्याज। अब प्याज को भुनने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, इतनी देर में बच्चे बाथरूम में जा चुके हैं, मैं उन्हें देख के आऊँगी, और प्लस थोड़ी बहुत अगर कुछ रसोई संभाल सकती होगी वो संभालूंगी, नहीं तो जो पास्ता बॉईल हुआ हुआ है उसको हम स्ट्रेन करके रख लेंगे। चल रहा है? अब प्याज हो गई है, इसमें मिला देंगे बाकी की सब्जियां जो हमने चॉप करके रखी थी, इनको थोड़ा सा सॉटे करेंगे। और इसमें जो फ्रेंड्स मैं कोई स्पेशल पास्ता मसाला वगैरह नहीं मिलाती हूँ, घर के जो सादे मसाले होते हैं ना, नमक मिर्च, इन सब से ही पास्ता बनाती हूँ और अच्छा बन जाता है, बच्चे मतलब शौक से खा लेते हैं, वो पास कर दें तो सब पास है। थोड़ा सा इसमें नमक मिर्च और मिक्स हर्ब्स, बस ये 3 चीज़ें डालेंगे मसाले में, और इनको अच्छे से सॉटे करने के बाद इसमें मिक्स कर देंगे पास्ता अपना। अब पास्ता मिक्स होने के बाद जो हम इसमें डालेंगे वो और 2 चीज़ें डलेंगी। पहली चीज़ तो फ्रेंड्स इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा टोमेटो केचप। और 1 ढक्कन के करीब या 1 चम्मच के करीब बड़ी वाली सिरका थोड़ा सा, और अगर नमक हल्का लग रहा है तो थोड़ा सा नमक आप डाल दीजिए, नहीं तो बस सिरके पे आपका सामान जो डालने वाला था वो सब डल गया। अब इसको बस 1-2 मिनट के लिए हल्के से फटाफट इसे सॉटे करेंगे इस तरीके से, और आपका पास्ता रेडी। अब आ गई हूँ मैं दोबारा बेडरूम में, क्योंकि बच्चे नहा के आ चुके हैं बाहर,
और अगर मैं इन्हें पूरा खुद तैयार होने के लिए छोड़ दूँ तो हो तो जाते हैं लेकिन देर हो जाती है। बहन आने वाली है तो उसमें नुकसान ये होगा कि इनका अपना जो ये यहाँ खा के जाएंगे ना नाश्ता, वो टाइम के लिए हो जाएगा, तो इसलिए इनकी अभी थोड़ी बहुत हेल्प करनी पड़ती है, वरना ये अपने आप भी हो जाती हैं, थोड़ा टाइम लगता है, रेडी तो हो जाती हैं। तो यहाँ मैं इनको तैयार कर रही हूँ थोड़ा सा जल्दी, ताकि ये यहाँ पर थोड़ा सा खाने के लिए इनके पास टाइम बच जाए, 5-10 मिनट बच्चा बैठ जाए, ज़्यादा भागा दौड़ी ना हो। ड्रेस पहनने में हेल्प करने में प्लस बाल बनाने में और प्लस जो मैंने बिस्तर फोल्ड करके बीच में आई थी जब रख गया था उसको अलमारी वगैरह में सेट करने में, इन सब चीज़ों में लगभग लगेंगे 10 मिनट और बेडरूम भी क्लीन हो जाएगा। रेडी आई चादर को फ्रेंड्स मैं पूरा उठा के इस टाइम नहीं झाड़ रही हूँ, केवल ऐसे ही सिलवटें निकाल देंगे, क्लीन अप सा हो जाएगा थोड़ा सा। और जो इनके पहनने वाले कपड़े हैं वो अभी हैंगर में करके, जो यूनिफॉर्म वाला हैंगर है उसी में टांग दूंगी, ताकि जब ये आए इनको अपने कपड़े सामने मिले तो ये इधर उधर फैलाए नहीं। कोशिश यही रहती है कि यूनिफॉर्म टांग दें, रोज़ कह के जाती हूँ लेकिन अभी तक उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली है। फिलहाल ये इनके आके जो पहनेंगी वो कपड़े हैं और ये गीले टावल में सुखाने ले जा रही हूँ। यहाँ हमारा बेडरूम क्लीन हो गया। अब फाइनली जो टाइम है वो है हमारे नाश्ते का, तो पहले मैं चढ़ा रही हूँ चाय। अब बच्चों के लिए और टिफ़िन के लिए पास्ता बनाया था, प्लस मैं अपने और इनके खाने के लिए बना रही हूँ पराठे। थोड़ी सी सब्ज़ी रखी है गंवार की, हम गंवार की फली से पराठा खाएंगे नाश्ते में। और आज मुझे जाना है गाज़ियाबाद कुछ काम से, तो मैं स्कूल से सीधे वहाँ जाऊँगी, इसलिए मैं शाम को आऊँगी लगभग 6 बजे। तो एक पराठा मैं एक्स्ट्रा बना रही हूँ, मैं टिफ़िन में एक्स्ट्रा खाना ले जाऊंगी, क्योंकि जहां हम जा रहे हैं वहां पे हम खाना नहीं खाएंगे। तो इस हिसाब से भी ये है कि दोपहर तक का मुझे लेके जाना पड़ेगा खाना, कि लंच भी मेरा हो जाए। तो ये सादा पराठा सीख गया, उधर चाय हो गई, ये मैंने बच्चों का पास्ता और ये सब पैक कर दिया है, उधर उन्होंने अपना खा भी लिया है। और लंच में काली वाली मसूर की दाल और चावल। अब मैं ये दाल चावल कैसे भिगो के रख के जाती हूँ, अगर ये आपने नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि मैं सुबह दाल और चावल कैसे प्रिपेयर करके जाती हूँ, जो वो दोपहर में फ्रेश और गर्मा गर्म मिलते हैं। तो लंच की तैयारी हो गई और ब्रेकफास्ट हमारा बन गया। अब मेरा टिफ़िन रह गया है पैक होने के लिए, और बच्चे जो हैं वो ऑलमोस्ट डन हैं, खाना वाना खा चुके हैं, वो अपना थोड़ा बहुत पास्ता और ड्राई फ्रूट्स खा चुके हैं, तो वो जाने वाले हैं। अब ये मेरा लंच है, इसमें मैंने पास्ता और थोड़े से खजूर एनर्जी के लिए, प्लस एक पराठा और इसमें रखूँगी जो मैं आपको बता रही थी कि एक्स्ट्रा खाना लेके जाऊँगी, और गंवार की फली। ये मेरा लंच पैक हो गया। बाय बाबू। बिल्कुल सही टाइम पे 7 बजे तक देखे लंच प्रिपरेशन हो गया, नाश्ता यहाँ खाने का तैयार हो गया, बच्चे जा चुके हैं। ब्रेकफास्ट में मैं लूँगी 5 मिनट अपना पराठा लेने में, और उसके बाद इट्स टाइम टू गेट रेडी। आज मैं बांध रही हूँ साड़ी, अब साड़ी पहनना प्लस मेकअप प्लस हेयर, इस सब के लिए मेरे पास बचे हैं 10 मिनट। यूजुअली इतना ही टाइम बचता है साड़ी ना भी पहनूँ सूट पहनूँ, 1-2 मिनट का फ़र्क पड़ता है, मुझे साड़ी बांधने में टाइम नहीं लगता।
तो ये साड़ी पहनने के बाद, ये सब करने के बाद ना 10 मिनट्स मेरे पास होंगे, और उसके बाद जो मैंने लंच पैक किया था अपना हाथ के हाथ में पानी वगैरह भर के भी बॉटल में, और अपने लंच बॉक्स में रख देती हूँ, तो वहाँ से बस बैग उठाएंगे और सीधे हम चले जाएंगे। बाल बनाने का यूजुअली पूरी तरह सुलझाने का कभी भी टाइम नहीं होता, तो या तो इनका ऐसे ही जूड़ा बन जाता है या फिर मैं आगे से ठीक कर लेती हूँ, और वैसे भी मैं कंघे से पीछे के लटे बहुत कम सुलझाती हूँ, तो ये मैं हाथ से धीरे धीरे थ्रू आउट द डे सुलझा लूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। फाइनली वी आर लीविंग फॉर स्कूल। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपको पर्सनली जान सकूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटिफुल ऑलवेज।